भ्रष्टाचार आज दुनिया के हर एक देश की बढ़ती समस्या बनती जा रही है। भ्रष्टाचार आज की समस्या नहीं है बल्कि सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आज इसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि इससे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था बल्कि देश का हर एक नागरिक भी प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति अपना निर्धारित काम सही से न करे यह भ्रष्टाचार कहलाता है। आइए इसी समस्या पर आधारित वुड्स पार्क स्कूल बनी के विद्यार्थियों द्वारा एक लघु नाटिका। नमस्कार साहब। नमस्कार, क्या काम है? बैठो। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? वो तो है नहीं। अगर तुम पैदा ही नहीं हुए तो यहाँ कैसे चले आए? चलो निकलो यहाँ से। साहब कुछ करके फाइल आगे बढ़ा दो ना प्लीज। चल निकल यहाँ से। साहब ये फाइल एक और बार देख लो ना। अच्छा अच्छा, अब थोड़ी ना जरूरत है बर्थ सर्टिफिकेट की। अरे तुम तो बहुत समझदार हो, चलो दो दिन बाद आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर जी नमस्कार, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे हैं? क्यों, तुम किसी मिनिस्टर के बैठे हो? नहीं सर, मुझे फाइल सबमिट करनी है। बैठो। बर्थ सर्टिफिकेट का है? नहीं सर, उधर है नीचे। पासपोर्ट का है? पासपोर्ट तो नहीं है। बिना पासपोर्ट के यहाँ तू चले आए? चलो जाओ यहाँ से। पासपोर्ट आने तक तो लॉट डेट खत्म हो जाती सर। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर, ये फाइल आगे बढ़ा दो ना। क्यों? क्योंकि मैं होम मिनिस्टर के कजन सिस्टर के देवर का दोस्त हूँ। तुम मिनिस्टर का भी बैठा था तभी ये फाइल आगे नहीं बढ़ाता। चलो जाओ यहाँ से। माफ कर दो ना सर, फाइल प्लीज आगे बढ़ा दो। चलो जाओ। क्या हुआ भाई, यह फाइल आगे नहीं बढ़ी? नहीं भाई। अरे यह सब काम होता है पर जेब ढीली करनी पड़ती है। क्या तुम तो मेरा काम करोगी? हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा, बस 2000 लगेंगे। सॉरी भाई, मेरे पास तो 1500 ही है। कौन नहीं हो जाएगा। बार बार चलो, अपना भी काम हो गया। लो सर, आपकी मिठाई का इंतजाम हो गया। चलो उसको बोलना है, उसका भी काम हो जाएगा। नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या काम है? साहब पैसा निकलवा रही थी। बैठो। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? साहब वहाँ नीचे ही तो है। पासपोर्ट कहाँ है? साहब पासपोर्ट आने तक लास्ट डेट खत्म हो जाती। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। साहब यहाँ पे पासपोर्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। तो मुझे रूल समझाओगे? चलो जाओ यहाँ से। साहब प्लीज कुछ कीजिए ना। चलो जाओ यहाँ से। साहब प्लीज कुछ कीजिए। 1000 रुपया फाइन लगेगा, 2 दिन में काम हो जाएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, एक एक रोटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 1000 रुपए मेरे महीने भर की आमदनी भी नहीं है। बड़े मासूम बन रहे हो। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, बहन की शादी भी पैसों की वजह से रुक गई। अरे जाओ यहाँ से। साहब कुछ कीजिए ना। अरे जाओ यहाँ से। अरे ये साहब के पैसे रह गए, उनको वापिस दे के आता हूँ। साहब हाँ अब आए लाइन पे। साहब ये मेरे नहीं बल्कि आप ही के पैसे हैं। क्या मतलब? साहब गलती से मेरी फाइल में आ गए थे। और ये तुम मुझे फाइल समझ के दे देते तो तुम्हारा भी काम हो सकता, मुझे पता भी नहीं चलता। साहब वो तो ठीक है, आपको नहीं बता सकता, लेकिन भगवान को तो सब मालूम है। वो एक एक चीज देखता है और भगवान यही कहते हैं कि दूसरों की कमाई कभी नहीं खानी चाहिए। और जो मैं हूँ जो दूसरों की कमाई गलत तरीके से खाता हूँ, मेरा क्या होगा भाई, मुझे माफ कर दो। भाई माफी मुझसे नहीं, उस भगवान से मांगो जिसने हम सबको पैदा किया है। आइए हम सब मिलकर इस देश से